Good morning, students. Good morning to all of you. Today, officially, we are going to start a new chapter, new series, we can say, Issue of Shares, Day 1. Issue of Shares, Day 1. Right, bachcho? Simple si baat hai. Karna kya hai? Sir, there are so many companies running in the market. Aur agar companies ko funds ki requirement hai. If the requirement is of funds, why to start the business? Aur wo bhi higher scale pe, wo bhi higher scale pe, right? To start a new business. Matlab humare paas reason bhi hai. Kyun aakhir ek company ko paise ki requirement rehti hai? Jitne bade scale par aap baat karenge, agar ek company market mein aa rahi hai, exist kar rahi hai, naya business start kar rahi hai, they need funds. They need funds. और फंड्स की फुलफिलमेंट के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है सर? शेयर्स इशू कर दो. क्या इशू कर दो बच्चों? शेयर्स. सर क्या हम इजीली कर सकते हैं शेयर्स इशू? ये डिपेंड करता है आपकी मार्केट में कितनी अच्छी गुडविल है. लेकिन ये बात कंफर्म है कि जो ये पब्लिक है, जो ये पब्लिक है, ये सब जानती है. सॉन्ग भी सुना होगा ना आपने, पब्लिक है सब जानती है, राइट? गुड मॉर्निंग खुशी, गुड मॉर्निंग. यानी कि अगर एक कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट है बच्चों? फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है सर? सबसे अच्छा तरीका है मार्केट में अपने शेयर्स इशू कर दो. सर कौन खरीदेगा? बहुत सारे लोग रेडी रहते हैं बच्चों शेयर्स खरीदने के लिए. पब्लिक हमेशा रेडी रहती है. सर क्यों रेडी रहती है? व्हाट इज द रीजन? आखिर पब्लिक क्यों लगाती है किसी भी कंपनी में पैसा? उन्हें भी तो कहीं ना कहीं पैसा क्या करना है? इन्वेस्ट करना है. अरे पब्लिक को भी तो कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है. इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ये लोग क्या करते हैं? पब्लिक, आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, एज वेल एज कई बार हमें देखेगा इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जो बिग डील में, मान लीजिए कोई पुरा एक और कंपनी है, उसी ने किसी दूसरी कंपनी के क्या परचेज कर लिए? शेयर्स. कर सकते हैं, कर सकते हैं बेटा. एक एग्जिस्टिंग कंपनी, पुरानी कंपनी बढ़िया पैसा कमा रही है मार्केट में, क्या ये किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स नहीं परचेज कर सकते? सर 100% कर सकते हैं. आज LIC ऑफ इंडिया, आप सबने सुना है बेटा, सुना है LIC ऑफ इंडिया? ये सुनो, सुना है बेटा? यस सर. गुड, LIC ऑफ इंडिया, वेरी गुड बेटा. अब LIC ऑफ इंडिया के पास मान लो 200 करोड़ एक्स्ट्रा पड़े. 200 करोड़ इज लाइक नथिंग. इफ आई टॉक अबाउट LIC ऑफ इंडिया, 200 करोड़ इज लाइक नथिंग. मान लो एक्स्ट्रा पड़ा है, इन्होंने एक नई कंपनी मार्केट में लाइक Zomato आ रहा है, हो सकता है LIC ऑफ इंडिया क्या करे? Zomato का शेयर्स खरीद ले. सर क्यों? द रीजन, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए. जहां किसी पुरानी मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कंपनी जब शेयर इश्यू करती है, पब्लिक को भी कर सकती है, और कई बार इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, वो भी परचेज कर सकते हैं, राइट? ये मैंने आपको एक डेमो दिया है शेयर सर्टिफिकेट का. स्क्रीन क्लियर नहीं है, आप नेट पे देख सकते हैं, आपको बहुत कुछ दिखेगा. जितने भी शेयर्स हैं 500, 1000 सर्टिफिकेट एक ही मिलेगा, राइट? अब हम ये बात करते हैं. सबसे पहले कल हमने थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन किया था कि सर मार्केट्स दो टाइप के होते हैं, पहला मार्केट, दूसरा मार्केट. बता दो जल्दी से नाम बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट मार्केट? प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी. वेरी गुड. ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए आपको, इसके लिए सच में कोई एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते आप. प्राइमरी मार्केट, अब मैं आज प्रैक्टिकल भी स्टार्ट कर रहा हूँ, थ्योरिटिकल प्रैक्टिकल दोनों. और मैं आपको बता दूं सच में, पहले प्रैक्टिकल पे ज्यादा मजा आएगा आपको, तो मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे आऊंगा. बट थोड़ा जो बेसिक थ्योरी है वो मुझे बताना जरूरी है, मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा. और जब आप चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे काफी हद तक, तब एंड में इस चैप्टर की एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे थ्योरिटिकल अलग से पूरा पढ़ना पड़ेगा. पार्टनरशिप में तो क्या होता है, ज्यादा कुछ थ्योरी नहीं है बेटा, बहुत ही लिमिटेड थ्योरी है. बाकी जो आपने प्रैक्टिकल किया उसी में से थ्योरिटिकल, लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का क्वेश्चन आ गया, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आ गया, गारंटी का क्वेश्चन आ गया,
इंटरेस्ट ऑन लोन का क्वेश्चन आ गया, कैपिटल रेशियो का क्वेश्चन आ गया, बट इस चैप्टर की काफी थ्योरी ऐसी है बेटा 20-30% जो पूरी हार्डकोर थ्योरी है, कंपनी में कौन सा अमेंडमेंट लगेगा, कौन से चेंजेस होंगे, कौन से रूल्स, कौन से एक्ट, वो आपको अलग से हम पढ़ा देंगे, राइट बेटा? सफिशियंट पढ़ लेंगे हम, डोंट वरी। लेकिन उससे पहले प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा तो थ्योरिटिकल और भी बोरिंग लगेगा, तो पहले प्रैक्टिकल पढ़ते हैं। प्राइमरी मार्केट, जब एक कंपनी अपना शेयर इश्यू करती है, जब एक कंपनी अपना शेयर इश्यू करती है तो इससे रिलेटेड जो भी वर्क रहता है, इससे रिलेटेड जो भी वर्क रहता है, दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी मार्केट। किस प्रकार हम जनता को शेयर इश्यू करेंगे, कब पैसा मिलेगा, और इसके लिए भी कुछ प्रोसेस है बेटा। सर प्रोसेस है बोले तो सबसे पहले 11th क्लास की बात ही बता रहा हूँ, सबसे पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, उससे भी पहले MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाती है। अब इसके अलग से थियोरिटिकल क्वेश्चन दिखेंगे आपको, वो हम करेंगे, डोंट वरी, राइट। फिर मार्केट में एडवर्टीजमेंट करती है कि भैया ठीक है हमारे शेयर हम इश्यू करना चाह रहे हैं। उसके बाद गर्व यादव तो आपने बताया भी था क्या करती है कंपनी, एट द एंड सेकेंडरी मार्केट में कंपनी अपने शेयर को लिस्टिंग करती है, लिस्टेड बोल सकते हैं उसको, अप्रोप्रिएट वर्ड, लिस्टेड करती है। क्या करती है बच्चों? लिस्टेड। कहाँ पे लिस्टेड करती है? सर सेकेंडरी मार्केट, विच इज ऑल्सो नोन एज ए स्टॉक मार्केट। सर ये सेकेंडरी मार्केट एग्जैक्टली है क्या? ये लीजिए एक छोटा सा डिस्कशन सेकेंडरी मार्केट के नाम, सेकेंडरी मार्केट विच इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट। सर यहाँ पर क्या होता है? डेली बेसिस पर ट्रेडिंग होती है, और हमारे अभी भी क्लास में जो बच्चे बैठे हैं इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, बहुत से बच्चों को इस मार्केट में। इट इज द पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट जहां पर कंपनी अपना शेयर लिस्टेड कर देती है, और उसके बाद क्या होता है, या तो NSE में या BSE में। NSE की फुल फॉर्म बता दो जल्दी से बेटा, NSE NSE, यस यस, नहीं पता किसी को भी, अरे ये तो बहुत ही गलत बात है बेटा, चलो कोई बात नहीं। NSE बोले तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सुना है आपने, बस दिमाग से भी नहीं आया आपके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बच्चों, निफ्टी भी बोलते हैं इसको, निफ्टी, सुना है निफ्टी किसी ने? निफ्टी, जिसके अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की डेली ट्रेडिंग होती है, टॉप 50 ब्लू चिप कंपनीज, बड़े रेंज के जिनके शेयर्स होते हैं, जिनके अंदर ज्यादा से ज्यादा बिजनेस होता है, ऐसी कंपनी सबसे मेन इनके, इनका डेली ट्रेडिंग होता है। सर ट्रेडिंग का मतलब समझ नहीं आया, ट्रेडिंग बोले तो परचेज सेल, परचेज सेल, परचेज सेल। बहुत सारे लोग ऑनलाइन स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स परचेज करते हैं एज वेल एज सेल करते हैं, ये है निफ्टी, जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है। अब आप में से क्या कोई BSE का फुल फॉर्म बताना चाहेगा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वेरी गुड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैं फिर बता दूं, इसकी नॉलेज का कोई अंत नहीं है, मैं केवल एक लेवल तक आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। इसको सेंसेक्स नाम से भी जाना जाता है, और इसके अंदर टॉप कितनी कंपनी, टॉप 30। वेरी गुड सर, इसके अंदर जो डेली बेसिस पर बिजनेस चलता है वो टॉप 30 ब्लू चिप कंपनीज का बिजनेस चलता है, जो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज है, जिसमें रिलायंस, टाटा, बिरला, ये सब इंक्लूड होंगी, 100% मान के चलिए, ठीक है। और बाकी शेयर्स की भी ट्रेडिंग होती है, आप ऑनलाइन अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स है मार्केट में, देर आर मेनी स्टॉक ब्रोकर्स हैं। जैसे अगर आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी है, जमीन परचेज करनी है, तो इसके भी दलाल होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं। ऐसे ही बेटा इसके अंदर स्टॉक मार्केट में भी ब्रोकर्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज है, देर आर सो मेनी कंपनीज जो शेयर्स में ट्रेडिंग कराती है, राइट। नाम ले कुछ, लो एक नाम लिया मैंने, शेयर खान, एक नाम शेयर खान, आप भी लीजिए, किसी को पता है नाम? इंडिया बुल्स, सुरेश शेट्टी। बुल्स, क्या बताया नाम बेटा आपने, सॉरी क्या नाम बताया? सुरेश राठी। सुरेश राठी बिल्कुल गलत है बेटा, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज आनंद राठी फिर भी सही नाम है, आनंद राठी, ठीक है। एज वेल एज जो आपको भी टीचर पढ़ा रहा है, मतलब यानी कि मैं, मेरा सिलेक्शन हो गया था व्हेन आई वाज डूइंग MBA, बस लास्ट पॉइंट पे एक मिस्टेक हो गया और मेरा सर आपको पिक भेजूंगा। सुरेश राठी बेटा मैंने नहीं सुना, टू बी वेरी ऑनेस्ट,
और आनंद राठी सर यहाँ पे वही चलता है, यहाँ पे वही चलता है सुरेश राठी। हाँ नहीं नहीं मैं हो सकता है लेटेस्ट आ गया तो मैं वैसे भी कई सालों से टच में नहीं हूँ बेटा, लेकिन आनंद राठी इज अ बिग ब्रांड नेम, और इससे भी बड़ा ब्रांड नेम, इन सबसे बड़ा ब्रांड नेम एक जो फेमस है दैट इज मोतीलाल ओसवाल, इट्स ऑल्सो अ बिग ब्रांड राइट बेटा। और भी बहुत सारे नाम है, एंजल ब्रोकिंग ये लीजिए, एंजल ब्रोकिंग ये नाम भी आपने आप में से कई बच्चों ने सुना होगा। ये कंपनीज है जो स्पेशली क्या करती है बेटा, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आप सब लोगों को पब्लिक को शेयर्स में ट्रेडिंग कराती है। किसमें ट्रेडिंग कराती है? शेयर्स में। इसका क्या मीनिंग है बेटा, इसका क्या मीनिंग है, शेयर्स में ट्रेडिंग कराती है, बाय एंड सेल, बाय एंड सेल, बाय एंड सेल्स। और कुछ ये प्राइवेट है, कुछ गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन भी है, स्टॉक होल्डिंग करके कंपनी है जिसका DRM ऑफिस के सामने ऑफिस भी है, वो प्रॉपरली ऑफिशियल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको शेयर्स खरीदने में और बेचने में हेल्प करती है। दीज कंपनीज आर वर्किंग एज अ मीडिएटर। हम ये कंपनीज क्या करती है, अपनी दलाली लेती है और डेली बेसिस पर, जिसे आप कई लोग सट्टा भी कहते हैं शेयर्स के अंदर, हाँ कह सकते हैं अ टाइप ऑफ सट्टा एंड ऑल, ठीक है, लेकिन 100% में, 100% सट्टा क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि जो क्या नाम है उसका, जस्ट अ सेकंड बेटा, सेबी, यस सेबी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। यस गर बताओ जल्दी से, व्हाट इज योर डाउट सर? व्हाट्सएप कर दिया सर आपको सुरेश। अरे भाई वो भी मैं मानता हूँ, वो भी, लेकिन एक बात बताओ होता है सर। बेटा कितने साल पुरानी है ये बताओ, कितने इयर्स पुरानी है बताओ, बोलो बोलो सर। 20-30 तो आराम से है सर। सुरेश राठी तो फिर आनंद राठी नहीं है क्या, एक बात बताओ? आनंद राठी क्योंकि मैंने देखा है सर, इसका भाई है सर, वो तो उसका भाई है आनंद राठी, कोई बात नहीं, तो खुद की ब्रोकिंग है। ओके मैं भी कह रहा हूँ ये लो सुरेश राठी का नाम भी लिख देते हैं, इसमें कौन सी बिग डील है, ये भाई जो नेम्स मैंने सुने हैं वो मैंने लिख दिए, लेकिन अब हमें वही प्रॉब्लम, देखो मैंने कहा था ना प्रैक्टिकल में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा बच्चों को सेकेंडरी मार्केट में, और अभी 11 ये 12th के मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या मैटर करता है, प्राइमरी मार्केट। अब आप एक मिनट का रिवीजन करा देखिए, अभी अभी जो मैंने बताया कंपनी के पास, जो कंपनी का ये शेयर सर्टिफिकेट है, ये सब आपने बेसिक चेक कर लिया बेटा, ठीक है, नेम ऑफ शेयर होल्डर मेंशन होगा, कितने शेयर्स हैं वो मेंशन होंगे, लोगो होगा नीचे, कॉमन सील होगा, शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको, ठीक है, फेस वैल्यू लिखा होगा, भले कंपनी कितने में भी बेचे, 10 का शेयर एक कंपनी हो सकता है कितने में बेच रही है, मे बी कुछ पैसे ज्यादा, 500 में बेच रही है, 700 में बेच रही है, चलेगा, इट्स ओके राइट बेटा। 10 का शेयर हो सकता है कंपनी 500-600 में सेल आउट करे, चलेगा, लेकिन शेयर पे सर्टिफिकेट पे हमेशा कौन सा वैल्यू लिखा होता है बच्चों, कौन सा वैल्यू, फेस वैल्यू, विच इज जर्नली 10 रुपीज, इज इट ओके? इश्यू करने के कितने ऑप्शन हैं आप देख लीजिए, पहले 3 ऑप्शन थे, अब आपके पास केवल 2 ऑप्शन है, या तो एट पार या एट प्रीमियम। और एक अच्छी कंपनी हमेशा अपना शेयर किस पे इश्यू करती है, प्रीमियम पे। किस पे इश्यू करती है बच्चों, प्रीमियम पे। रियल लाइफ में तो अच्छा खासा प्रीमियम होता है, इज इट ओके? कल हम डिटेल में पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। अब उससे पहले